हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड बस आज ऐसे ही सफाई चल रही थी बाइक की, एंड तभी एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो मेरी फ्रंट डिस्क ब्रेक है उस पर काफ़ी रस्ट आ गया है। अभी अभी हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी पिछले आई थिंक एक दो हफ्ते से रेगुलर बारिश चल रही है। हालांकि मैंने बाइक को कवर करके रखी थी, बट आई डोंट नो ये इशू या ये रस्ट कैसे फॉर्म हुआ है अंडर द कवर, बट आई थिंक दैट्स प्रिटी कॉमन। सो काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की थी कि रस्टिंग का इशू है इसके अंदर। सो यह फाइनली मैंने एक्सपीरियंस किया है ये इशू। मैंने क्विक गूगल सर्च किया एंड थोड़ा आसपास लोगों से भी पूछा, तो सबने बोला ये काफ़ी कॉमन इशू है। आई थिंक हर रेनी सीज़न में ये इशू हर बाइक में मिलता ही है, एंड ये आसानी से निकाला भी जा सकता है। हम या तो ब्रेक क्लीनर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एल्युमिनियम फॉइल और अल्कोहल, जो रबिंग अल्कोहल मिलता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट अ क्विक अपडेट गाइस, अगर बहुत इनिशियल लेवल पे रस्टिंग है तो आप अगर रेगुलर बाइक चलाएंगे तो भी ये अपने आप रिमूव हो जाती है। सो मेजर इशू तो नहीं है, बट इट्स क्वाइट शॉकिंग कि अभी 3-4 महीने ही हुए हैं बाइक को एंड विद इन पहली बारिश में ही ये रस्ट का इशू आने लग गया है। एंड जब मैंने ये देखा तो मुझे फिर से लगा कि काफ़ी लोगों ने साइलेंसर में भी कंप्लेंट की थी रस्ट की। सो आई थिंक जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे इधर भी काफ़ी लाइट है बट विजिबल है रस्ट यहाँ में, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बाहर की तरफ कम है बट अंदर इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली दूसरे साइलेंसर पे भी ये इशू है, ये हमें दिख रहा है, ये देखिए। सो यस, आई थिंक मैं डेफिनेटली ये चीज़ सर्विस सेंटर वालों को कन्वे करूँगा एंड क्या सॉल्यूशन है इसका भी सवाल किया जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टिल देन सी यू गाइस एंड कीप राइडिंग।